लाओ बैंक में बुलाओ, बैंक में तुमने को चेक वापस करो, और वहां पे 1,00,000 रुपया तुमने हाथों हाथ ले कैश ले लेके नहीं ले ले ना। तो अब न बताओ, मुझे पता है क्या क्या होना है क्या क्या नहीं होना है, मैं जानता हूँ इतना मुझे पता है कि तू मेरे साथ क्या कर सकता है, बदले में मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। तेरे तो छोड़, तेरे जो ऊपर अधिकारी है ना उनको भी मैं क्या कर सकता हूँ वो तुझे नहीं पता है, अंदाजा नहीं है। मैं ये वीडियो ज्यादा नहीं बनाना चाह रहा था लेकिन मजबूरन बना रहा हूँ। मेरे सामने से सारे फाटक बंद हो चुके हैं, ये समझ लो मैं इतना डिप्रेशन में हो चुका हूँ, मेरे को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये रास्ता आप लोगों के सामने है और बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो मेरे साथ अब घटित हो रहा है, मेरे साथ जो हो रहा है उसको मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों से निवेदन है, प्यार से ध्यान से सुनना, और ये जो इंसान आप देख रहे हो स्क्रीनशॉट देख लो, इसकी मैं वीडियो भी चलाऊँगा, आपको ये भी देखना है, इसके बारे में सारी डिटेल बताऊँगा मैं आपको। आपको ये भी देखना है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा और किस लिए हो रहा है, मेरी गलती क्या है इसमें, और ये इंसान मेरे साथ क्या कर रहा है। तो आपको बस ये चीज़ देखना है, और मुझे क्या करना चाहिए आगे मुझे कमेंट में जरूर मुझे सजेस्ट कर देना भाइयों। आप लोग शायद मेरा साथ खड़े होके तो साथ नहीं दे सकते हो, लेकिन कमेंट में आके मुझे कुछ माइंड, मुझे कुछ सहारा दे सकते हो, मुझे कुछ रास्ता दिखा सकते हो कि भाई तू ऐसा कर ले, ऐसा सोल्यूशन है, तू ऐसा कर सकता है। और हाँ, जो आप देख रहे हो फोटो कि देख दिमाग हो वो बहुत ज़्यादा ख़राब, याते ज़्यादा अब संभाई की बात ना रही, क्योंकि मैंने तो कॉल कर ली सब तरह से बात कर ली, उल्टो तुम मोइये धमका रहो, उल्टो मोती कह रहे हो जा तो उखड़ जाता है कर लियो, उल्टो मैं तो ये फंसाए दूँगा, मैं जेल पहुँचा दूँगा, ये कर दूँगा। मतलब तुम पहले मेरे संग में फ्रॉड कर लो, अगर मैं तुमसे अगर उसके बकायदा में उसकी रिटर्न में मैं तुमसे कहूँ मेरा पैसा मुझे वापस दे दो या कुछ भी दे दो, तो तुम मुझे धमकाओगे, जेल की धमकी दोगे हैं, अरे जा करवा दिए तू मेरी जेल फ्री में मेरे करता है, पर मैं तो देख लूंगा तू सुन अब। और दोस्तों ये वीडियो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, इसलिए बना रहा हूँ, और आपको देखनी है बड़ी तैयार से। पहले तो आप देख लीजिए किस तरीके से ये बात चल रही है, ये बात देख लो आप। तुमने इसके साथ क्या किया ये भी बताओ। हाँ। तुमने एक ब्लैंक चेक साइन करने की बात है, ब्लैंक चेक साइन करवाया था जो आपने बैंक में जाके इसको वापस किया याद आ, और बड़े प्यार से आपने क्या कहा कि लाला भैया देखो मैं ईमानदार आदमी हूं, मैं चाहूं तो ऐसे निकाल सकता हूं। कौन है कही क्या लाला झूठ बोल रहा तो बोलते है, तेरी कई बात बता रहा हूं मैं, चाहे तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं ईमानदारी देखो फोन पे तुम आली बुला रहे हैं कि पेंशन लेके आ जाओ, तुमने बुलाओ बैंक में बुलाओ, बैंक में तुमने को चेक वापस करो, और वहाँ पे 1,00,000 रुपया तुमने हाथों हाथ ले कैश ले ले के नहीं ले ले ना। तो अब न बताओ जब तुम वापस तो ले सकते हो तो मैं कौन हूँ जो तुम्हें पीछे छोड़ दू। नहीं और अगर मैं मर जाता, मैं अगर जिंदा ना होता या नहीं लौटता तो इसकी क्या गारंटी थी कि तुम मेरी मम्मी को पैसा वापस कर देते। तुम जिस सुनो पहले कितने दिन पहले लाए ये पैसा, कब की बात है, कितना है, क्या महीना है हमारा पैसा, इनने पता इनने पता होगा, जनवरी में हाँ तो आपका फरवरी ही थे, फरवरी चल रही है, जनवरी ये महीना है वो है वो ना, नहीं तो तुमने जवाब तो तुम्हें एक्सेप्ट कर रहे हो, सुनो तुम एक्सेप्ट कर रहे हो तो मैं भी यही चीज एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझे भी मेरा ब्याज चाहिए जिस दिन से दिए हैं उस दिन से तब तक के, क्योंकि पैसे आपने अपने यूज में करे हैं, अगर मेरी LIC भरी होती आज तो शायद मैं बाहर रिकवर कर ले दू, ये बात आप भी जानते हो एजेंट हो और इसकी नॉलेज मुझे भी है, शायद मैं उसको रिकवर कर लेता, शायद मुझे ब्याज भी मिलता, ब्याज तो राजी हो गया, राजी मिल तो, और आपने मुझे ऐसा कुछ दिया नहीं, ले लेंगे ब्याज तो हम, अब भी लूंगा मैं तुम्हारा ब्याज ना छोड़ना, क्योंकि आपने एक गरीब आदमी को, मैंने अब तक चेक नहीं किया, मुझे जब पता चला कि यार इस आदमी ने 1,00,000 से ले लिए, पहली बात कि हमारे पूरे परिवार की किस्त आपकी जाती है, तुम तो पिक्चर में आए, हाँ उससे पहले से आप जुड़े हो मैं जानता हूँ, हाँ अगर इसके बारे में ये जहाँ से स्टार्ट पिक्चर हुई थी उनके बीच में जो बात हुई थी और कैसे कैसे बोलो पेमेंट रुक ही गया, अरे रुक गया मेरी आंख तो चला गया, पर मुझे ये बुरा लगा कि इस आदमी ने मेरे पैसे नहीं दिए और इस गरीब आदमी से कमीशन ले लिया,
तुम्हें इंसानियत निभानी थी यार। इनके एक ही परिवार के कितने किस्तें चल रही हैं, आपकी कितनी पॉलिसी ले रखी है, चल रही है ना, तो आपको इतना ध्यान रखना चाहिए था कि मैं इनके परिवार से कब से जुड़ा हूँ। आज मैं ये चीज कर रहा हूँ तो इनको कितनी अंदर ठोस लगेगी। इस पे तो चलो कर्जा था, उस समय पे ये कुछ नहीं बोला कि भैया वो देना, क्योंकि मैं तो गैची लग रही है, पहले आ जाए हाथों में देती गई सही, तुम्हारे बेचारे ने निकाल के तुम्हें दे दे। अब वो अपने बहन भैया ने जितने ले रखो कर्जा तो वो मान बाप दे दो। अब जाकर कुछ चल नहीं डाले क्योंकि 1 लाख है तो तुम ही ले गई। अब सुनो दूसरी बात, आपने खुद के स्वार्थ से यूज किए पैसे, इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते। मेरे पास तो मैं खुद बैठा हूँ, तो बस जय 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 हो। तो भैया ब्याज रुपया जितने पैसा है ते दे दियो, जो ब्याज तो वही का सिस्टम है, वही चीज है। आज मैं वो चीज को कितने 50,000 के मैंने 70 भरे हैं। सुनो तो मैं जा चीज की मैंने बताई ना, 50 के 70 भरे हैं, क्योंकि जो मेरे पैसा मैं बाप को कर्जा भर रहा हूँ वो मैंने तुम्हें दे, तुम्हें और फर्ज बनता है तुम्हें स्लिप काट के घर के देके जानी चाहिए, जो आपने नहीं दी, आपने अपने स्वयं खर्चे में उठाए। अब जी बात, हमने तुम्हें अपने घर ही बैठा के गई, अगर हम चार जने की सामने नहीं, ये चीज हमारी ये हमारी वो है आदत नहीं है, चार उनके सामने और बीच रास्ता में तुमसे आप गलत हो, इसमें तुम गलत बताए जाओगे भैया, आपको बैठा के निवेदन कर दिया, ये चीज हम अपने घर में बता रहे हैं आज, समझ रहे हो बात है। ये जो आपने बात सुनी, ये बात वो है कि मेरा एक नाम नहीं बताना चाहूँगा, मेरा ही रिलेटिव है और उसकी माँ ख़त्म हो गई थी, तो ये उसके पैसे के चक्कर में संशोधन हो रहा है, तो इसने ये धाकड़ है, LIC का अर्जेंट है, KLRS का है, और जो लोग इसको बैक साइड से पहचान सकते हैं, लोकल वाले हैं वो तो पहचान ही लेंगे, जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं अभी उसकी शक्ल नहीं दिखाना चाहता। समय आऊँगा तो नेक्स्ट वीडियो में शायद इसका मैं शकल भी आपको दिखा दूं। ये बात सिर्फ और सिर्फ या तो ये लास्ट वार्निंग समझ ले अपने लिए, या तो ये समझ ले कि ये धमकी है। क्यों मैं किस चीज़ से कमज़ोर हूँ पता है? अगर मेरे पास ये होता ना तो मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता, मैं डायरेक्ट जाके इसके खिलाफ केस कर रहा होता और करूँगा भी। लेकिन सबसे पहले ये रास्ता जो मैं आज निकाल रहा हूँ, शायद अगर ये वीडियो उस तक पहुंच जाए और ये देख ले कि हाँ बेटा अब होना क्या है तेरे साथ, मेरे साथ तो जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन तेरे साथ अब क्या होना है वो अब तू सोच ले। बैक साइड की वीडियो बता रहा हूँ, हालांकि मेरे पास फ्रंट की भी है, पूरी पूरी फिल्म है, 2.5 घंटे की है रिकॉर्डिंग, और सारी की सारी सच्चाई इसमें उगली है और सारी की सारी फ्रॉडगिरी इसमें निकाली है। ये कोई दबाव और प्रेशर वाली बात नहीं है, ये सिर्फ संशोधन वाली बात थी। जब हमने इसको बुलाया, नहीं भैया देख ऐसे ऐसे मैं परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हूँ, मेरे पास कर्जा हो चुका हूँ, मैं कभी तो ले चुका हूँ, किसी मेरी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मेरे पास कर्जा है, मैं नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे मेरा जो पैसा है मुझे दे दे, वैसे भी तूने मेरी LIC नहीं चलाई, मैं 2.5 साल तक तुझे पैसा भरता रहा 2.5-3 साल समथिंग मैंने इसको पैसा दिया, इसने मेरी एक भी पॉलिसी नहीं भरी, एक भी पर्ची मेरे घर पर ला के नहीं दी, और फ़ोन पे बात कर रहा है मेरे चाचा से, कह रहा है मैंने इसकी 3 साल तक मैंने इसकी पॉलिसी चलाई है। तो भाई अगर तूने 3 साल तक पॉलिसी चलाई है तो उसका मुझे पर्ची तो दे ला के, ठीक है, ये इसने सिर्फ फ़ोन पे कहा है। और शायद अगर वो मेरे चाचा, तो कोई बात नहीं, ऐसी रिकॉर्डिंग मेरे पास और भी काफ़ी पड़ी है, और प्रूफ के लिए उन्हें भी पता है कि इसने क्या बात कही, और पता नहीं क्यों इन दोनों की ये बात भी हुई थी कि चल कल और बैठ ले एक बार, मतलब एक बार तो ये वीडियो में हम बैठे हैं समझौता के लिए, लेकिन ये मेरे चाचा के पास पहुंचा और चाचा से कहा कि इसका संशोधन करवाइए कैसे भी करके, ये फलाने आदमी के मैटर को लेके मुझे एक्सपोज करना चाह रहा है। एक्चुअली एक्सपोज तो अब मैं करूंगा तुझे, और ये कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है क्या क्या होना है क्या क्या नहीं होना है, मैं जानता हूँ, इतना मुझे पता है कि तू मेरे साथ क्या कर सकता है, बदले में मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ, तेरे तो छोड़ तेरे जो ऊपर अधिकारी है ना उनको भी मैं क्या कर सकता हूँ वो तुझे नहीं पता है, अंदाज़ा नहीं है। मैं बस यही कहूँगा कि ये जो बात हो रही है ना, ये बात हो रही है, ये स्पष्टली जो बात हो रही है वो करेक्टली बात है, किस तरीके से ये बंदा फ्रॉड कर रहा है मेरे रिलेटिव के साथ में, और किस तरीके से इसने 1 लाख रुपये उससे मत भी लिए,
किस वजह के? कि मैंने पैसे निकलवाए भैया, मैंने तेरे मम्मी के मरवे के पैसा निकलवाए हैं और बेपैसन को 1,00,000 रुपया मैं तोते ले रहा हूं। मतलब तू मादर चोद एजेंट भोसड़ा के, अगर तू मादर चोद दुनिया को तू पॉलिसी करा रहा है तो पैसे तू निकाल के देगो ना? अगर आदमी गरीब है परेशान है तो भोसड़ा के तू बातें पैसा ले, वो भी 1,000 नहीं 2,000 नहीं 4,000 नहीं मतलब हाफ। ऐसे बहन के लोड़े अगर मैं मर जाता हूँ भोसड़ी के, तू मेरे घर के को 1 रुपया नहीं दे तो तू खा जा तो फिर, क्योंकि तेने वैसे भी एक भी पॉलिसी नहीं भरी। हाँ ये बात और मैं पक्की बता दूं, मैं खुद LIC ऑफिस में जाके पहले ये सारी छानबीन कर चुका हूँ, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये भी बता दूं, मेरे पास कहते हैं पर्सनल डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करने चाहिए, अगर समय आया तो मैं इसको भी शेयर करूंगा। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इसने पहली जो पर्ची मुझे जब मैंने ये बीमा चालू करवाया था तब ये पहली पर्ची इसने मुझे दी है, बस दोबारा कोई पर्ची ला के नहीं दी। अब मेरी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी पड़ गई कि मैं चला गया अपने काम पे, मतलब मैं जो काम करता हूँ मार्बल टाइल ग्रेनाइट का जो भी, तो मैं चला गया बाहर प्रदेश केरल, और मैंने वहाँ से इसको पैसे डाले, पैसे ट्रांसफ़र किए, कुछ मैंने अपने खाते से ट्रांसफ़र किए और कुछ मैंने बैंक में जाके स्लिप भर के ट्रांसफ़र किए। वो इसके सारे इसके अकाउंट पे पूरी डिटेल हैं, मेरी अकाउंट में तो सिर्फ इतनी डिटेल है जो मैंने अकाउंट से भेजी है, लेकिन जो पर्ची भर के जो बैंक में जाके जो किया ना उसकी डिटेल सिर्फ इसी के अकाउंट में, जो ये रान नहीं रहा है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ये मैटर है सिर्फ और सिर्फ इतना कि ये मेरे पैसे जो मैंने इसको जितने भी पैसे दिए हैं उनमें से इसने सिर्फ एक मुझे स्लिप के पैसे ला के दिए, पर्ची ला के दिए, बाकी के सारे पैसे जितने भी मैंने इसको 2.5 साल तक भरे हैं सारे के सारे इसने रखे अपने पास। और जब मैं LIC ऑफिस पहुंचा तो मुझे एक ही जवाब मिला कि भाई आपकी तो पॉलिसी भरी नहीं है शुरू से ही। मतलब मैं दिया फालतू दे दिया क्या? इसने अपने खुद के यूज में लिए पैसे। ठीक है, तो ये इसकी बहुत सारी बातें हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बस सिर्फ एक ये वार्निंग टाइप की ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो इस इंसान तक पहुँचे ताकि उसको ये पता लगे कि देख तू आखिर को अरबपति खरबपति हूँ मैं, एक रोडपति समझ ले, गरीब आदमी बाल बच्चन ने पाल रहा हूँ, कुछ कारण बस मेरे पास समस्या पड़ेगी जो मेरे पास नहीं हो पाई, और खास करके हिम्मत मेरी जब टूट गई जब तैने 2.5 साल तक पैसा ले तो रहो और तैने एक भी किस्त मेरी जमा नहीं करी। अब भलमन शाह देते एक में ही है कि तू मेरे पैसन ने विद 24 घंटे के अंदर ये वीडियो भी डिलीट कर दूंगा अगर कहे तो, ये वार्निंग वीडियो खाली, 24 घंटा के अंदर मेरा पैसा जितना मैंने तुझे ट्रांसफर किया है फोन द्वारा प्लस पर्ची भर के बैंक द्वारा, और दूसरी बात जो तू मेरे घर से नगद में लेके गए 200 रुपया को एक एक को हिसाब, जो मैक्सिमम जो चले ब्याज बा ब्याज समेत मेरे घर दे जा 24 घंटा के अंदर, अगर दे देगो तो जहां मैं बहुत तगड़ी भलमन से आते, नहीं तो मैं यहां तक बोल रहा हूं अभी तक फिलहाल मुझे ये रिलेशन है, चल इसके साथ जो हुआ हुआ ठीक है कोई बात नहीं, और मैं यहां तक ये भी बोल रहा हूं कि मैं क्या बताऊं यार, हालांकि वो भी मेरा भाई है, पर इतना कहूंगा उसका मैटर कुछ बैठा के सुलझा लेना, जैसे भी बैठे तुम्हारी जैसे तुम्हारी बने कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मेरे पैसे बित ब्याज के दे जा भाई, आखिरी बार हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, अगली बार ये भी नहीं जुड़ेंगे। ये वीडियो सीरियस है, 2 दिन से मेरे ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे, बस अगर आप लोग कोई जानते हैं तो इसको टैग करना, भेजना लिंक, भेजना व्हाट्सएप में भी, क्यों मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, मैं इसको फ़ोन कर परेशान हो गया, बात नहीं कर रहा है, मजबूरन ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना मेरा बनाने का कोई मकसद नहीं था, ना ही मैं बनाना चाह रहा था। निवेदन है यार आपको, मेरी समस्या जो मैंने शॉर्ट में बताई है वो समझ में आई होगी, अगर ये बंदा समझ जाता है, बात अगर समझ में आ जाती है, मेरे पैसे वापस कर देता है तो ठीक है, वरना अभी तो ये आपने बैक साइड की वीडियो देखी है, फ्रंट की देखोगे और इसकी वो सारी बातें सुनोगे जो बातें इसने मेरे से की हैं। ठीक है, और जो फ्रॉड ये कर चुका है वो फ्रॉड वाली सारी कॉल डिटेल अगर बात यहां तक आई ना तो बैंक की फोटो कहीं नहीं जाएंगी, बैंक तक की फोटो चला के दे दूंगा मैं। ठीक है,
और मैं क्या लाऊंगा यार, खुद ही ले आएगी पुलिस, मुझे लाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो और वो जिस बंदे से इसने पैसे लिए ना 1 लाख, उससे तो 1 लाख लिए, मेरे तो क्या ही बताऊं। दोनों के केस होंगे और सबसे पहले मुद्दा तुझे पता है कि बेटा तू सबसे ज्यादा कौन से वाले में फंस रहा है। दोनों में गलती तेने बराबर करी है, लेकिन सबसे ज्यादा गलती तेने मेरे जो रिलेशन है वहां में बहुत भयंकर वाली कर दी बेटा। अब ध्यान रखियो, उम्र की और थोड़ी सी सफेदी की लाज रखे, खुद की अगर रखनी हो 24 घंटा के भीतर पैसा दे जाइयो, और ना दे तो फिर सीधे मिलेंगे कंज्यूमर कोर्ट। राम राम। बस भैया ते की निवेदन है, मैं दुखी हूँ जाते टाइम बहुत ज़्यादा, या वीडियो शेयर कर पहुँचा दिए यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए थे नहीं, पर मेरे दिल के हाल है जो यार आपसे कहा हूँ, और आप उम्मीद करता हूँ आप लोग समझोगे। राम राम।